So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के T2X5G डिवाइस के अंदर आप जो है स्मार्ट गोल शटरिंग का एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैं जो शटरिंग आपको बताने वाला हूँ ये बाय डिफॉल्ट अभी नहीं आई हुई है और ये अभी रूल आउट होना स्टार्ट भी हो रहा है। फिलहाल के लिए आपको एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, आप उसको एक्सेस कर सकते हो जब तक आपके फोन में बाय डिफॉल्ट नहीं आता। अभी ये वी सीरीज में आना स्टार्ट हुआ है, उसमें स्लाइडिंग इफेक्ट एंड स्मार्ट कॉल दोनों जो है अपडेट्स हो रहे हैं। हालांकि ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है सभी फोनों में, तो आप तब तक के लिए स्मार्ट कॉल अगर एक्सेस करना चाहें तो मैं एक एप्लीकेशन जो बताने वाला हूं इसका यूज करके आप स्मार्ट कॉल को यूज कर पाएंगे। वेल गाइस, चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सी एप्लीकेशन है एंड गाइस कैसे इसे एक्सेस करना हमें अपने डिवाइस के अंदर। गाइस हम स्मार्ट कॉल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर राइज टू एंसर नाम की इस एप्लीकेशन को सर्च करेंगे प्ले स्टोर के अंदर, या फिर आप हमारे लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। सिंपल एक बार इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पर कुछ परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, देन आप इसको अप्लाई करेंगे, इस तरह से अलाउ करेंगे मींस। अब इसके बाद देखेंगे पहला ऑप्शन हमारा ऑलरेडी इनेबल्ड है, ये बाय डिफॉल्ट में भी ये होता है ये वाला सेटिंग्स, जैसे कि हम किसी कॉल को ऑटोमेटिक रिसीव्ड कर सकते हैं वो आपको इस ऐप पे मिल जाएगा जब तक आपको अपडेट नहीं मिलता। हालांकि देखो सभी फोनों में अभी नहीं आया हुआ, V23 में ही बस देखने को भी मिला है एंड धीरे धीरे करके वी सीरीज में जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टी सीरीज में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो चीजें वी सीरीज में होती है और वही चीजें टी सीरीज में भी देखने को मिलती है। एंड यहाँ आंसर बाय होल्डिंग योर फोन टू योर ईयर का ऑप्शन है, ये ऑप्शन काफी बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी इनकमिंग कॉल को रिसीव करना है तो आपको बस जिस तरह से बाय डिफॉल्ट में आपको कान के पास लेके जाना होता है अपने फोन को, देन उसी चीज को यहाँ पर फॉलो करना, बिकॉज यहाँ पर आपको 2-3-5 सेकेंड समथिंग आपको होल्ड करना होता है अपने ईयर के पास, तो इस चीज को करके आप रिसीव कर सकते हैं तरीके से स्मार्ट कॉल आंसर मोड में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आंसर एट एनी एंगल एक ऑप्शन है, ये आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं मिलता था, अब यहाँ पर मिलता है। एक मेरे पास कॉल फोन है, मैं इसको दिखाता हूँ एंड ये हमारे पास डिवाइस है, अगर मैं इसको ऐसे भी करके लेके जाऊँ और यहाँ पर होल्ड करता हूँ तो हमारी कॉल रिसीव जो होती है जिसे अब आंसर एनी एट एनी एंगल का ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें एक एंड करने का भी, लाइक डिसलाइन करने का भी ऑप्शन है, मीन्स कि हम फोन को कट कर सकते हैं, जो कॉल है उसको हम कट कर सकते हैं, डिसलाइन कर सकते हैं लाइक दैट। इसको मैं ओपन करूंगा तो हमारा जो आंसर एट एनी एंगल वो बंद हो जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पर आपको रिकमेंड करने वाले हैं कि आप इसको चालू कर लीजिए, ये फीचर बढ़िया है। बाकी ये डिसलाइन वाला जो फोन वाला फीचर है, अगर आपको कॉल को कट ही करना है तो आप अपने फोन के अंदर पावर बटन एंड कॉल चालू कर लीजिए, अपने पावर बटन को प्रेस करेंगे तो इजिली आपका कॉल जो है हैंग अप हो जाएगा। और नीचे आपको दो ऑप्शन और दिए गए हैं, इन दोनों फीचर्स को भाई एज अ स्मार्ट कॉल के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको रिंगटोन नहीं सुननी है, वीप सिप लगाना है, बहुत लोगों को पसंद होता है ये सब चीजें, तो आप यहाँ एप्लीकेशन से कर सकते हो। लाइक यहाँ पर वाइब्रेशन भी ऑन कर सकते हो, हालांकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स तो है वाइब्रेशन का, बिकॉज यहाँ ऐप से भी मिल जाता है, आप नो डाउट यहाँ से भी टर्न ऑन कर सकते हैं। वेल गाइस, इस तरीके से कुछ यूज करके आप आसानी से इस ऐप का इस्तेमाल करके आप स्मार्ट कॉल एक्सेस कर सकते हैं एंड जब तक स्मार्ट कॉल का बाय डिफॉल्ट आपके फोन में नहीं आता ऑप्शन तब तक के लिए। एंड गाइस, होपफुली कि जल्दी आ जाए एंड आप लोग अपने फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट स्मार्ट कॉल का एक्सेस कर सके। उम्मीद करते हैं एप्लीकेशन आपके समझ में आएगा कैसे यूज करना है। एंड गाइस, कोई और कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कॉमेंट सेक्शन नीचे आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।